हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सरेंडर कराएगी तो कैसे करूं? याचिका गुड़गावा के एक वकील ने दायर किया, लगता है कोई विरोधियों की साजिश। मैं पता नहीं कौन क्या, मैं तो किसी साजिश में शरीक हूँ नहीं। सर आपको लगता है कि चुनाव बिल्कुल विरोधी जो कैंपेन जो है चरम पर है, और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें होती है तो ज्ञान अजूबों पे इसका असर पड़ेगा? जो मामला कोर्ट के विचाराधीन हो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू। आराम से जाने दो, बैक लो जाने दो। तो आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व CM चौटाला आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी पेशी है। अब से कुछ ही देर पहले वो कोर्ट पहुंचे और जब उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर वो कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। टीचर भर्ती घोटाले में दोषी चौटाला अभी जमानत पर बाहर है। CBI ने चौटाला की बेल खारिज करने की अर्जी दी है। 30,000 कोर्ट में पेश हुए ओम प्रकाश चौटाला, खराब सेहत की वजह से चौटाला को बेल मिली हुई थी। जमानत मिलते ही INLD नेता रैलियों में जुट गए थे। गुरुवार को एक रैली में चौटाला ने कहा था, मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। JBT शिक्षक भर्ती घोटाला में दोषी पाए गए 1999-2000 का ये मामला, जिसमें CM रहते हुए घोटाले में आरोपी पाया गया।